हेलो नमस्कार, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार जीविका लाइव टेस्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज है सेट संख्या 7, तो रात के 9 बज चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको आंसर दिखाता चलूँगा जल्दी जल्दी। जितना कम समय लगे मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में आपको दिखा दूँ। तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आपको पीडीएफ खरीदना होगा, अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं कैसे कैसे खरीदना है आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आंसर में पहले से मैं टिक लगा चुका हूँ, और बस आपको देखते चलना है। मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, आंसर में टिक लगा हुआ है, देखते चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? तो 1/3। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पंचायत दर्पण पत्रिका किस योजना के निगरानी के लिए शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए, सांसद आदर्श ग्राम योजना। और क्वेश्चन नंबर 3 है, आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभुकों को कितने रुपए तक का इलाज मुफ्त में किया जाता है? तो वो है 5 लाख रुपए। और नेक्स्ट, आयुष्मान भारत में लाभुक का नाम किस आधार पर जोड़ा गया है? तो वो है सेंसस, जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसी के आधार पर जोड़ा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रोत्साहन का राशि कितना दिया जाता है? तो वो है 12,000। और नेक्स्ट, SJY योजना को पंचायत स्तर पर देखने के लिए किसका नियुक्ति किया जाता है? तो वो है MRP। और क्वेश्चन नंबर 7, SJY परियोजना के तहत अधिकतम कितनी राशि का प्रावधान है? तो वो है 1 लाख रुपये। और क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। और क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक पास करने वाली लड़कियों को कितने प्रोत्साहन राशि दिया जाता है? तो वो है 25,000 रुपये। और नेक्स्ट, LSBA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। नेक्स्ट, किसी अक्षर को सुपर स्क्रिप्ट बनाने की शॉर्टकट कीज क्या है? कंप्यूटर से संबंधित है, तो वो है Ctrl+ = ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कितने तरीके हैं? तो वो है 3 तरीके, 3 तरह से हम MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू हमें हमारा क्या है, मैं थोड़ा सा देख के बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू में हमारा प्रलय नहीं है दोस्तों, यह है प्रलेख, प्रलेख है, तो इसे प्रलेख पढ़ेंगे। प्रलेख कैसा दिखता है? जैसा वह किसी वेब ब्राउजर में दिखाई देगा, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका आंसर जो है प्रिंट लेआउट है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जटिल जानकारी को सेल्स और वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस में प्रस्तुत करने की एक सरल विधि उपलब्ध कराती है। तो इसमें जो पूछा गया था, ये खाली स्थान को भरना था, तो उसके जगह पर ये भराएगा सारणी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सारणी जटिल जानकारी को सेल्स और वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस में प्रस्तुत करने की एक सरल विधि उपलब्ध कराती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, MS Excel में, यहाँ पे भी भरना है, MS Excel में डाटा को वर्कशीट में देखने में आकर्षक फॉर्मेट में प्रस्तुत करने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण है जो कि डाटा के विश्लेषण और तुलना में सहायता करता है, तो वो है चार्ट। नेक्स्ट, सरकारी नौकरियों को नेटवर्क आधार और ई शासन समर्थन उपलब्ध करा रहा है, तो वो कौन करा रहा है? NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। अगर इसका कोई और मतलब होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, ब्राउजर अनुप्रयोगों को समझने के लिए
यहाँ पे भरना है को डिजाइन किया गया ताकि टेस्ट टेक्स्ट इमेज आदि को डिस्प्ले किया जा सके, तो वो है HTML। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो है मोजिला फायरफॉक्स। तो ये है क्या, ये है ब्राउजर, ठीक है ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, SGSY योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, तो वो है 1 अप्रैल 1999। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, SGSY योजना का उद्देश्य क्या है, तो वो है आत्म सशक्तिकरण प्रदान करने और सूक्ष्म उद्योगों को स्थापित करने के लिए। और नेक्स्ट है SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को हिंदी में क्या कहते हैं, तो वो है स्वयं सहायता समूह। और क्वेश्चन नंबर 22, SGSY योजना किसके लिए शुरू की गई थी, तो वो है BPL गरीबी रेखा से नीचे जो है उनके लिए। और क्वेश्चन नंबर 23, मनरेगा किस वर्ष लागू किया गया था, तो वो है 2 अक्टूबर 2005। और क्वेश्चन नंबर 24 है, मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में कितने दिन काम की गारंटी दी जाती है, तो वो है 100 दिन, शायद अब बढ़ा दिया गया है 150 दिन कर दिया गया है, मुझे जानकारी नहीं है, तो 100 दिन बुक में था 100 दिन, तो मैंने 100 दिन ही आंसर लगाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, और संपदा कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर की के कृषि समुद्री प्रसंस्करण विकास योजना को PM किसान सम्मान योजना नाम दिया गया है, तो इसमें PMKSY में के का क्या अर्थ है, तो मैंने बता ही दिया किसान, के का अर्थ है किसान, PM किसान सम्मान योजना। और क्वेश्चन नंबर 26, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार संक्रमणकालीन क्षेत्रों का नियंत्रण करती है, तो वो है नगर पंचायत। और क्वेश्चन नंबर 27, जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY का लोकार्पण किसने किया था, तो वो है अरुण जेटली। और क्वेश्चन नंबर 28, ICAR ने विश्व बैंक के सहयोग से राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEP शुभारंभ किया, इसी ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है, तो वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद में। और क्वेश्चन नंबर 30, मनरेगा जॉब कार्ड की वैधता कितनी है, तो 5 साल तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मनरेगा में आवेदक को जॉब कार्ड कितने दिनों के भीतर जारी करना चाहिए, तो वो है 15 दिन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मनरेगा में आवेदक को काम मांगने पर कितने दिनों के भीतर काम जारी करना चाहिए, तो वो है 15 दिन। और क्वेश्चन नंबर 33, ऐसे कौन से कार्य हैं जो मनरेगा के तहत नहीं किया जा सकता, तो वो है ऑप्शन डी, भवन निर्माण कार्य मनरेगा के तहत नहीं किया जा सकता। और क्वेश्चन नंबर 34, NSAP किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो ये है ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1995 में। और 35 नंबर क्वेश्चन, NSAP के तहत कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वो है 5 योजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, NSAP को कौन लागू करता है, तो वो है पंचायत। और 37 नंबर क्वेश्चन, मास्टर रोल कौन जारी करता है, तो वो है कार्यक्रम अधिकारी। और क्वेश्चन नंबर 38, मनरेगा के तहत निर्माण सामग्री को की अधिकतम सीमा क्या है, तो वो है 40%। और क्वेश्चन नंबर 39, मनरेगा में पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए मजदूरी का अंतर क्या है, तो ये है इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 40 है, विकलांग समूह में कौन कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, तो वो है 5। और यहाँ से वन लाइनर है, देख लीजिए, ऐसे ऊपर वाला भी तो वन लाइनर ही बन गया, लघु सिंचाई समूह में कितने सदस्य होने चाहिए, तो 5। और क्या एक सदस्य एक से अधिक स्वयं सहायता समूह में
समूह का सदस्य हो सकता है? जी नहीं, नहीं हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्वयं सहायता समूह का मूल कोर्स क्या होगा? तो वो है आंसर, समूह के सदस्यों की बचत से एकत्र की गई राशि। और क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वयं सहायता समूह SHG अपने मूल कोष का उपयोग कैसे करेगा? तो वो है स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ऋण देकर। और क्वेश्चन नंबर 5, एक समूह की पहली ग्रेडिंग कितनी अवधि के बाद की जानी चाहिए? तो वो है 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद। और यह है 6ठा नंबर क्वेश्चन, BTDP प्रोग्राम वर्तमान में बिहार के कितने जिलों में चल रही है? तो वो है 32 जिलों में। और क्वेश्चन नंबर 7, जीविका के अंतर्गत ग्राम संगठन को खाद्य सुरक्षा निधि के रूप में कितनी राशि दिया जाता है? तो वो है 1 लाख रुपये। और 8 नंबर देखिए, बिहार में जीविका के अंतर्गत चल रही प्रोग्राम MKSP का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। तो दोस्तों, Study24 चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, आगे और भी वीडियो आने वाले हैं। और 9 नंबर देख लीजिए, कपाट के तहत ग्राम श्री वाक्य का क्या अर्थ है? तो वो है ग्रामीणों का धन। और क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट है, सतत जीविकोपार्जन परियोजना का शुभारंभ बिहार में कब किया गया था? तो वो है 5 अगस्त 2018 का। जी हाँ, सतत है, सतत, इसको सतत से समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि फिर कमेंट करके मुझे कुछ कहते रहिएगा, ठीक है? तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि PDF आप कैसे खरीद सकते हैं, अगर PDF आप खरीदना चाहते हैं तो टोटल 7 सेट का फिलहाल PDF है, और टोटल जो है हमारे पास 10 सेट है, लेकिन 10 सेट आपको फिलहाल उपलब्ध नहीं होंगे जब तक 10 सेट तैयार नहीं हो जाते हैं। तो 10 सेट अभी तैयार नहीं है, 7 सेट तैयार हो चुका है, और जिससे मैंने लिया है उसने पैसा मांगा है, तो आपको खरीदना होगा, ठीक है? तो आपको खरीदने के लिए मुझे कॉल करना होगा। और पैसा कैसे देना है आपको? पेटीएम के माध्यम से या फिर फोन पे के माध्यम से। अगर आपके पास पेटीएम फोन पे नहीं है तो किसी से संपर्क करिए और उससे पैसा भिजवाइए, मैं आपके जो आपका रेफरेंस नंबर रहेगा मैं उसे चेक कर लूँगा कि आपका पैसा आया कि नहीं, और जैसे ही आपका पैसा आ जाएगा और आपके नंबर पर, जिस नंबर पर कहिएगा उसी नंबर पर आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। तो नंबर लिख लीजिए, सॉरी यहाँ लिख लीजिए, 9546727700 9546727700। तो यही नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन वही आपको 100 रुपये लग जाएंगे। अभी फिलहाल 7 सेट है, आपको 10 सेट दिए जाएंगे जो कि 24 तारीख तक उपलब्ध हो जाएगा टोटल। तो आपको फिलहाल अगर 7 सेट चाहिए तो आपको 100 रुपये लग ही जाएंगे। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो संपर्क जरूर करिएगा, ठीक है? बाय, अलविदा।